140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। फैमिली फर्स्ट वर्सेस नेशन फर्स्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बयान के बाद पीएम मोदी ने विपक्ष की ऐसी घेराबंदी की है कि उन्हें अब इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जिस शब्द बाढ़ का सहारा लेकर लालू यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा था, अब वो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जन विश्वास रैली के मंच से जिस सियासत को हवा दी, वही हवा आज बीजेपी की लहर के साथ बहती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से चाणक्य मोदी ने अपने खिलाफ चली हवा का रुख मोड़ा है, उससे खुद लालू बुरी तरह से सदमे में आ गए हैं। जन विश्वास रैली के मंच से जब लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था, तो शायद उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था कि जिसकी घेराबंदी के लिए वो ये बयान दे रहे हैं, वही उनके लिए गले की फांस बन सकता है। जो ब्रह्मास्त्र लालू यादव ने छोड़ा था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निशाना साध रहे हैं। मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। इसके बाद पटना की धरती से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चली हवा ज्यादा सफर तय नहीं कर पाई। तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने परिवार को 140 करोड़ लोगों का परिवार बताकर ऐसी बाजी पलटी कि लालू यादव पूरी तरह से हक्का बक्का रह गए। ये मोदी क्या है? मोदी को, मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर लालू यादव ने शायद सोचा था कि उन्हें इसका फायदा 2024 के आम चुनाव में मिल सकता है, लेकिन वो शायद ये भूल गए कि चाणक्य मोदी पर इस तरह का आरोप लगाकर वो अपना ही नुकसान करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 की चुनावी रणभूमि को जीतने के लिए जिस चक्रव्यूह की रचना की है, उसे भेदना किसी भी विपक्षी नेता के लिए नामुमकिन सा है। लालू यादव के आरोप पर जवाब देकर प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना की धरती से ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके बाद आरजेडी ठीक से सफाई भी नहीं दे पा रही। पहले तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी नेताओं की घेराबंदी की, और अब संगारेड्डी में परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा। आप जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देखिए, जहां जहां परिवारवादी पार्टियां राज कर रही हैं, वो परिवार तो मजबूत हुआ, लेकिन वो राज्य बर्बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? वो परिवार मजबूत हो गए, वो राज्य मजबूत नहीं हुआ।
परिवारवाद को भारत के विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बताते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जबरदस्त तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष से जब भी परिवारवाद को लेकर सवाल किया जाता है तो वो मोदी के परिवार की बात करते हैं। जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद नई टैलेंट को उभरने नहीं देता, जब मैं कहता हूं कि परिवारवाद युवाओं का अवसर रोकता है, तो ये लोग जवाब नहीं देते हैं। उस उल्टा क्या कहते हैं, ये कहते हैं मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। क्या परिवार वालों को चोरी करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? परिवारवाद को लोकतंत्र का खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परिवारवाद देश के विकास में सबसे बड़ी बाधा बना है। वहीं ऊंचे और अहम पदों पर परिवारवाद के लोगों का ही कब्जा है। इशारों ही इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वो कहते हम परिवार वाले सब करेंगे और मोदी को परिवार नहीं है, क्या ये विचारधारा की लड़ाई है क्या? और अगर ये विचारधारा की लड़ाई है तो मैं बताता हूं विचारधारा की लड़ाई क्या होती है। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। 2024 में मोदी की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष ने बैठे बिठाए एक नया मुद्दा दे दिया है। लालू यादव के इस बयान के बाद पीएम मोदी के एजेंडे में मोदी की गारंटी के साथ साथ मोदी का परिवार भी शामिल हो गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के तरकश में दो ऐसे तीर हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जब चाहे विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं ठीक वैसे वैसे सियासी हलचल तेज होती जा रही है। विपक्षी पार्टियों की खामियां गिनाकर नेता मौके को भुनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष के हर वार को विफल कर रहे हैं। जब भी विपक्ष 2024 की रणभूमि को जीतने की कोशिश करता है तो वो बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाता है। एक रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना के विकास के रूप में दो गुना करके लौटाऊंगा, मोदी गारंटी। तेलंगाना के संगारेड्डी में पीएम मोदी का यह बयान इस बात का सबूत है कि आने वाला समय विपक्ष के नेताओं के लिए अच्छा नहीं है। मोदी की गारंटी के सहारे चुनावी मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को इशारों ही इशारों में समझाने की कोशिश की कि 2024 में भी मोदी की लहर रुकने वाली नहीं है। पीएम मोदी देश की जनता को लगातार मोदी की गारंटी दे रहे हैं। आपके इस प्यार को मैं तेलंगाना के विकास के रूप में दो गुना करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह, ये आपके आशीर्वाद मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ईदी मोदी गारंटी, मोदी गारंटी अंटे गारंटी का पूर्ति है ये गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में संगारेड्डी की जनता को मोदी की गारंटी देते हुए कहा कि मोदी की गारंटी की वजह से ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम पूरा हुआ है। इसी गारंटी के तहत अयोध्या में राम मंदिर बना, ऐसे ही कई कामों को पूरा कर मोदी की गारंटी पूरी हुई है। हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी, आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया,
करके दिखाया कि नहीं दिखाया। इसी दौरान पीएम मोदी ने घोटालों को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश में मोदी की गारंटी के बारे में सब जानते हैं, जब घोटालों की पोल खोल रहा हो तो उन्हें दर्द हो रहा है। जैसे अब तक मोदी की गारंटी पूरी हुई है, वैसे ही बाकी गारंटी भी पूरी होगी। ये मोदी उनको आंखों में चुभता क्यों है, इसका कारण है मैं इनके सैकड़ों हजारों करोड़ रुपयों के घोटालों की पोल खोल रहा हूं। परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाता हूं। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के बचाव में मोर्चा संभाला। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उनके पिता लालू यादव ने पीएम मोदी से परिवार के साथ ही और कुछ भी सवाल पूछे हैं, उसको लेकर कोई बात नहीं हो रही। अगर हमारे भी घर में कोई किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, हम लोग दाढ़ी छिलवाते हैं, हम लोग अपनी बेटी का मुंडन हम कराके आए तो हम लोग तो फॉलो करते हैं ना। लालू जी ने तो बस यही पूछा, तो इतना प्रचार करता है, नफरत फैलाते हैं, उकसाते हैं लोगों को, धार्मिक भेदभाव आप कराते हैं, आपस में राम और रहीम के बंदों को लड़ाते हो, तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? इतना बड़ा आप अगर बात करते हैं तो आप क्यों नहीं मुड़वाएं? यही तो बात। वहीं पीएम मोदी ने संगारेड्डी की जमीन पर तोशाखाना का जिक्र कर देश में नया विवाद छेड़ दिया है। पीएम मोदी ने देश की पूर्व सरकारों के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष की सरकारों ने सत्ता में रहकर ब्लैक मनी को वाइट किया, जबकि बीजेपी सरकार ने गिफ्ट को तोशाखाना में जमा कराकर और उनकी नीलामी कराकर मां गंगा को समर्पित कर दिया। परिवारवादियों ने सरकारों में रहकर महंगे महंगे गिफ्ट लिए हैं, सौगातें ली हैं और गिफ्ट के जरिए भी अपने काले धन को सफेद बनाया, लेकिन मोदी ने आज तक जो गिफ्ट मिलती है वो सारी गिफ्ट तोशाखाना में जमा करा देता है, उसकी नीलामी होती है और जो पैसे आते हैं वो पैसे मां गंगा की सेवा में लगा देता है। जिस तरह से चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हुई है, उसे देश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है और देख भी रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यही जनता तय करेगी कि कौन अपने मकसद में कामयाब हुआ और कौन इस मौके को अपनी जीत में नहीं बदल पाया। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सभी नेता वोटरों को अपनी ओर लुभाने की सभी तरकीबें आजमा रहे हैं, हर पैतरे आजमा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी नारों के सहारे चुनावी मैदान में उतर रही हो। इससे पहले 2014 और 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने नारों के जरिए वोटर्स के दिलों में जगह बनाई थी। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी चुनावी नारों को इतनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। एक रिपोर्ट। तो ये चुनावी नारों की जो बात है, ये 2014 के वक्त भी देखी गई थी और उसके बाद 2019 के वक्त भी, 2019 के वक्त जब चौकीदार को लेकर विपक्ष ने, चौकीदार शब्द को लेकर विपक्ष ने तमाम तरह के कटाक्ष किए थे मोदी सरकार पर, उसके बाद वही नारा जो है उन्हें कहीं ना कहीं एक बार फिर से 2019 के चुनावों में जीत दिला कर गया। कुछ ऐसा ही देखने को इस बार 2024 के चुनाव में भी मिलेगा।
जब देश में चुनावी माहौल होता है तो अक्सर सियासी गलियारों में चुनावी नारों की गूंज सुनाई देती है। बीजेपी ने 2014 में केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए अब की बार मोदी सरकार का सियासी नारा दिया था। उसके बाद 2019 में मैं हूं चौकीदार के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी और अब 2024 में मोदी का परिवार सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। मोदी की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली बीजेपी को विपक्ष की वजह से नया नारा मिल गया। लालू यादव के आरोप के जवाब में बीजेपी ने देश के सामने मैं हूं मोदी का परिवार तेजी से सियासी गलियारों में तैर रहा है। पीएम मोदी ने 2024 में बीजेपी की लय को बरकरार रखते हुए 370 और एनडीए को 400 सीटों का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने यहां मन से साफ कर दिया कि देश की 140 करोड़ आबादी ही उनका परिवार है। देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें ही मोदी का परिवार है। वहीं लालू यादव के बयान के बाद पीएम मोदी के समर्थकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं हूं मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्रियों तक ने अपने नाम के साथ प्रोफाइल में मैं हूं मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। खास बात यह है कि ये पहल ऐसे समय में शुरू हुई जब इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद बैठे बिठाए मिले मौके को भुनाने के लिए बीजेपी ने विपक्ष पर लगाम कसनी शुरू कर दी। इससे पहले बीजेपी 2019 में मैं हूं चौकीदार का नारा देकर वोटर्स को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही थी। वहीं 2014 में अब की बार मोदी सरकार का नारा देकर बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने में कामयाब रही। तब से बीजेपी लगातार चुनावी नारों को आधार बनाकर वोटर्स को लुभा रही है। बीजेपी का ये फॉर्मूला बीते दोनों कार्यकाल में सफल रहा। शायद इसीलिए बीजेपी अपनी तीसरी पारी के लिए नारों को आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। 2024 में बीजेपी ने एक के बाद एक कई नारे दिए। उनमें मोदी का परिवार इन दिनों सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने 2024 के लिए मोदी की गारंटी और 370 पार का नारा देकर विपक्षी पार्टियों में हलचल मचा दी। अब फैसला देश की जनता को करना है कि इस बार केंद्र की सत्ता तक कौन पहुंचेगा। क्या बीजेपी अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए तीसरी बार सरकार बनाएगी, या फिर बीजेपी को बाहर कर किसी दूसरी पार्टी के हाथों में देश की सत्ता की कमान सौंपेगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो देखना होगा मोदी का परिवार नारा इस बार 2024 के चुनावों में क्या भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगा। इसी के साथ ही इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है।